हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आपका हमारे एक नए ब्लॉग के अंदर। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमें मिल रही है हमारी गाड़ी की डिलीवरी। ये यस एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं शोरूम। तो ये हमारे घर के बहुत पास था तो हम पैदल ही आ गए और अभी राइट नाउ हम कर रहे हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी साइन करने होते हैं, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, वो सब चेकिंग आउट हो रहा है। और ये हो गई हमारी गाड़ी की पहली लुक। गाइस, मैनिफेस्टेशन सच में कितना वर्क करता है ना, मैं आपको बताती हूँ। हमारा बड़ा मन था हाइब्रिड एसयूवी लेने का, लेकिन इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा थी। इसकी वेटिंग ही दो दो साल की थी और हम इतना वेट नहीं कर सकते थे। लेकिन हम सर्च करते रहते थे और आई डोंट नो कैसे हमें ये गाड़ी एक हफ्ते के अंदर मिल गई। किसी ने गाड़ी छोड़ दी थी और वो हमें मिल गई, लेकिन जो गाड़ी हमने एडवांस बुक करवाई थी उसकी अमाउंट हमें फॉरफिट करनी पड़ी थी। तो गाड़ी को हम सबसे पहले घर लेके आए और फिर हमने की छोटी सी पूजा, क्योंकि हम मंदिर नहीं ले जा सकते थे, इतना टाइम नहीं था, वर्किंग डे था और नेक्स्ट डे से श्राद्ध शुरू हो रहे थे। तो इसलिए हमें कार सीट खरीदनी भी बहुत ज़रूरी थी। तो हमारे घर के सामने एक मॉल था, वहाँ हम गए के मार्ट में और वहाँ से हमने इस ब्रांड की खरीदी कार सीट। इसकी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो हमने इसी ब्रांड की कार सीट ली। और इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा टाइम लग गया। और हम और लड्डू देखो खेल रहे हैं अपनी नई बॉल के साथ, क्योंकि ये कभी भी के मार्ट में जाता है ना वहाँ से एक बॉल ज़रूर लेके आता है। आई डोंट नो वाई इसको बॉल्स इतनी अच्छी क्यों लगती हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था इंडियन ग्रोसरी स्टोर। यस गाइस, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियन चीज़ों की। ये ग्रोसरी स्टोर हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था, तो हम पैदल तो जा ही नहीं सकते थे। हम वेट ही गाड़ी का कर रहे थे कि गाड़ी आए और हम जाकर फटाफट हमारा सामान लेके आए। यहाँ पर सब कुछ था, सारी तरह की दालें, आटा, चावल, हर इंडियन ब्रांड सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। तो हमने फटाफट हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। वैसे हम अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की शॉपिंग तो कॉल से ही करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वहाँ पर नहीं मिलती हैं। जैसे आटा हो गया, वो हमें मिलता ही नहीं है कहीं पे। कुछ तरह की दालें हो गई जो हमें सिर्फ इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर ही मिलती है, तो हमें वहाँ पर आना ही पड़ता है। गाइस, बच्चों को बच्चे इतने अच्छे लगते हैं ना, इसको सिर्फ बच्चे दिखने चाहिए, उनके पीछे हो लेता है, हमें तो पीछे ही छोड़ देता है। तो हमारा लास्ट स्टॉप था एक इंडियन रेस्टोरेंट, हम गए थे वहाँ खाना खाने, थोड़ी सेलिब्रेशन करना तो बनता है। थैंक यू गाइस हमारा ब्लॉग आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।